अमरोहा जिले के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब गंगा नदी के दूसरे तट पर स्थित पलेस से लौटते समय युवक की पानी में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दयावली खालसा का रहने वाला वीरपाल गंगा नदी के दूसरे तट पर स्थित प्लेस पर गया था और जैसे ही वो दोपहर के समय प्लेस से घर की तरफ लौटा गंगा नदी को पार करते समय गहरे पानी में पहुंच गया और डूबने लगा। आसपास पशुओं को चारा लगा रहे बच्चों की नजर डूबते युवक पर पड़ी। बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर की आवाज सुनते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे लेकिन तब तक युवक पूरी तरह से डूब चुका था, जिसके बाद ग्रामीण पानी में घुसकर युवक को ढूंढने लगे और कुछ समय के बाद उसे पानी से बाहर निकाल लाए। इसके बाद पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ग्रामीणों का क्या कहना है आइए सुनते हैं। ऐसा मामला है, ये पलेट का सहारे थे निकले तो यहाँ पे पानी ज़्यादा है थोड़ा सा, जैसे ये आए बीच में से ऐसी जैसे थोड़े से चले, यहाँ पता ना थी का इतना पानी है यहाँ पे, तो यो ऐसे ही यहाँ पे पहनने उन्नत आता ना इन पर तो वैसे ही ऐसे ही बैठ गए आप ये लोग। अच्छा, हाँ जोन से डूबे हैं ये ऐसे ही बैठ गए इसमें पानी में। कितना बचाया बचाए का साहब? जैसे ढोरों को जो ढोर खा रहे हैं यार प्यार को तो बालक थे यहाँ पे, उन्होंने बताया साहब मैंने यहाँ पे एक लोंडा जो बालक डूबा हुआ है, तो ऐसे ही यहाँ से जैसे सबको बताई सबको सूचना मिली तो लोंडे आकर वो ढूंढने लग गए। बहुत देर उधर मशक्कत करनी पड़ी है ढूंढने में, तो जैसे आधा पौन घंटा होगा उनको, तो ऐसे ढूंढी उन्होंने तो इनके हाथ में यहीं पर गहरे पानी में हाथ आकर लग गया। लगने के बजाय वो फिर अब सूखे पर धर दिया साहब। अब सूखे पर धरने के बाद में अब थोड़ी प्रशासन की सहायता भी चाहिए ना, सब तरह की सहायता चाहिए अब इस तरह मान लो। बस अब ऐसा ढूंढ कर साहब अब यहाँ धर दिया, अब प्रशासन अब जैसा भी करेगा वो उनकी इच्छा। युवक की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया।